तो केंद्र सरकार ने अपना बजट जारी कर दिया है, आपके मुद्दे में चर्चा इसी पर हो रही है। और ये जो बजट आया है इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत गरमा गई है। एक तरफ बीजेपी इसे आम जनता का बजट बता रही है, तो वहीं सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट से निराशा जताई है। भारत सरकार द्वारा बजट पेश करने के बाद देश भर में सवाल जवाब और वार पलटवार की झड़ी लग गई है। कोई इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है तो कोई फर्जीवादी बता रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पर क्या कहा है, सुनिए। ये तो दिशाहीन बजट है। सब लोग सोच रहे थे किसानों को कुछ मिलेगा, मजदूरों को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं है। किसानों का आय दुगुनी करने के बारे में कोई बात नहीं कही गई। पुराने बजट में जितने भी विषय शामिल थे उसको भी पूरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आपने सुन लिया, अब छत्तीसगढ़ के विपक्ष की भूमिका में काम कर रही बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को समाहित करते हुए 25 साल का ब्लूप्रिंट बनाने का ये बजट प्रस्तुत हुआ। बीजेपी की माने तो बजट बहुत बढ़िया है और कांग्रेस की माने तो बजट सिर्फ जुमला है। कुल मिलाकर बजट पर सियासत भी जमकर हो रही है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष वैश्य जी हैं, चेयरमैन हैं सीआईआई के। रजनीश सिंह जी हैं, विधायक हैं बीजेपी के। और अजय गंगवानी जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। अजय जी, एक रिएक्शन आपसे ही, सरकार को क्यों लग रहा है कि इस बार कुछ नहीं मिला है इस बजट से, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर खासकर हम बात करें तो? देश का हर वर्ग, चाहे वो युवा रोजगार हो या महिला हो, किसान हो, पूंजीपति हो या नौकरी पेशा हो या छोटे छोटे व्यापारी हो, हर वर्ग की उम्मीद और आशा लेके बजट के साथ बैठता है कि इस बजट में उनके लिए कुछ प्रमुख घोषणाएं होंगी, कुछ राहत पैकेज होगा या टैक्स में छूट की बात की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार का बजट केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा आज पेश किया गया है, यह पूरी तरह से बिना रोडमैप के, बिना किसी ब्लूप्रिंट प्लान के, बिना किसी फ्रेमवर्क के पूरी तरह निराशाजनक बजट लागू किया गया है। ये केंद्र की मोदी सरकार का जो बजट है, कहीं ना कहीं लोकेंद्र जी, सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिफाफे पे केंद्रित है और कहीं ना कहीं एक आम नागरिक को जो एक आशा थी, एक उम्मीद थी। और देखिए, कहीं ना कहीं लोकेंद्र जी, आज देश का एक आम नागरिक वो तो ये कह रहे हैं ना अजय जी कि गरीबों के लिए पहले से तो योजनाएं चल रही हैं, किसानों को हम पैसा दे रहे हैं, कोरोना के इस टाइम में हम राशन पहुंचा रहे हैं घर घर, तो वो योजनाएं बंद थोड़ी हुई हैं, वो चल रही हैं पहले से ही। देखिए, मैं थोड़ा रुकी थी, समझ दीजिएगा, कहीं ना कहीं आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मनरेगा आज केंद्र की यूपीए की योजना थी जिसका मोदी जी हमेशा कहते थे असफलता। चलिए, बहुत आर्थिक संबल का रूप प्रस्तुत हुआ। 10 सेकंड देंगे, मैं बात कंप्लीट कर लूं लोकेंद्र जी। ठीक, और आज देखिए, मनरेगा का जो बजट 90,000 से कम करके 73,000 करोड़ कर दिया जाता है, मतलब सीधा सीधा 25% की कमी। इससे भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति स्पष्ट है कि किस प्रकार से रोजगार, एक देखिए कहीं ना कहीं जो सीएमआई के आंकड़े आए हैं 3 जनवरी के दिन, 7.9% बेरोजगारी है और ये बेरोजगारी का सबसे हाईएस्ट रेट है। 45 साल का बेरोजगारी का दर टूटता है और सीएमआई के आंकड़े September 2021 से December 2021 की लोकिन दी, 4,30,00,000 लोग बेरोजगार हो जाते हैं जिसमें 1,80,00,000 महिलाएं भी हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी से समस्या से जूझता हुआ रोजगार के लिए, और उस समय जब रोजगार की जरूरत है उस समय मनरेगा के फंड में 25.5% की कमी। मनरेगा से रोजगार मिलता है क्या? वो तो सरकार ये कह रही है कि हम और सेक्टर्स में हम हाईवे बनाएंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करेंगे, तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उससे रोजगार बनेंगे। 60,00,000 के आसपास की डिटेल्स दी गई है सरकार की तरफ से कि इतने रोजगार का सृजन होगा। 10 सेकंड दीजिएगा। यही केंद्र की मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार की बात करती थी, आज 7 साल में 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे और हुआ ठीक उल्टा, 4,30,00,000 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आज किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात की थी, क्या किसानों में वृद्धि की बात आती है लोकेंद्र जी, तो मात्र 2% की वृद्धि की जाती है। आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की गई थी, क्या किए और क्या 20,00,000 करोड़ के जुमला पैकेज, आज पूरे देश की जनता जानती है कि 20,00,000 करोड़ के जुमले पैकेज में किसको क्या मिला, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे बता दे। चलिए पूछ लेता हूँ, रजनीश सिंह जी, पहले 2022 का सपना दिखाया गया, अब 2022 आ गया, तो अब 25 साल बाद की तस्वीर पेश की जा रही है, ऐसा है क्या?
आज हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं और जब आपने बजट की चर्चा शुरुआत की तो मुझको लगता था कि हम कोई ठोस तथ्यात्मक बात रखेंगे और जिस तरह की बात हमारे मित्र कर रहे हैं मैं भी उसी भाषा में जवाब दूंगा, तो मेरे को लगता है कि बजट में हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। ये बार बार जो मनरेगा यूपीए सरकार की, इसमें माननीय मोदी जी ने संसद में कहा था कि मनरेगा को मैं बंद नहीं करूंगा, ये कांग्रेस के 60 साल के कुशासन का जीता जागता एक उदाहरण है। जो हम गड्ढा खोद करके रोजगार दे रहे हैं उसी को रोजगार मान रहे हैं, तो इसलिए ये बात को मैं उसमें और ज्यादा नहीं जाना चाहता। चलिए आप ठोस बात कीजिए सर, छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़ की जनता की बात कीजिए। बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ के बारे में बता देता हूँ, अभी मैं एक और चैनल में था उसमें माननीय मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि हमको माननीय वहां पर पूछा गया कि छत्तीसगढ़ को इससे क्या उम्मीद थी, तो मैं जो हमारे मंत्रीगण हैं जो चाह रहे हैं उसी को बोल देता हूं, जो क्या चाह रहे थे वो कि हमारा रुका हुआ जो पता नहीं किस किस चीज का जीएसटी का क्या क्या रुका हुआ है वो पैसा मिल जाता तो बजट में खुद इनके ये इच्छा थी, तो कोई मांगे ही नहीं थे। जब वही मांग रहे हैं वो तो पिछले 3 साल से मांग रहे हैं। अरे छोड़िए सर, दूसरे चैनल में क्या हुआ, मैं तो ये जानना चाह रहा था छत्तीसगढ़ को क्या मिला आपकी नजर में। छत्तीसगढ़ को वही बता रहा हूँ मैं भूपेन जी, वही बता रहा हूँ मैं, ये जो छत्तीसगढ़ के सरकार चाह रही थी के लिए फ्री में पैसा दे रहे हैं 50 साल के लिए, केंद्र सरकार इनको फ्री में वो कर्ज उपलब्ध कराएगी 5 लाख करोड़ का, इनको राज्यों के लिए प्रावधान रखा गया है, चाह रहे थे तो छत्तीसगढ़ को मिल गया। अब रही बात देश की, 2 साल से कोरोना के संक्रमण काल में हम गुजर रहे हैं, पूरे देश में एक पेंडेमिक अवसर हमने देखा और अभी भी कहीं ना कहीं उसका असर बहुत अधिक अभी भी है, अभी भी हम उससे बाहर नहीं आ पाए। लेकिन जो बड़े बड़े विशेषज्ञ ये बोलते थे कि भारत की आर्थिक विकास दर रहेगी, जीडीपी जो रहेगी वो 4-5 से ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं मोदी जी के वित्तीय प्रबंधन के कारण कि 9.2% है। यदि हम किसी भी बजट का, लोकेन जी बहुत जल्दी बात समाप्त करता हूँ 2-3 बिंदुओं पर बात करके, जो पूंजीगत व्यय है किसी भी बजट का जो मुख्य भाग रहता है उसमें पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूंजीगत व्यय बढ़ेगा निश्चित रूप से रोजगार के अवसर आएंगे, विकास होगा और देश में आर्थिक खुशहाली आएगी, तो पूंजीगत व्यय 35% पहली बार बढ़ाया गया है, लगभग 8 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान किया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है लोकेन जी। दूसरी बात, किसानों के लिए जो बार बार बोल रहे हैं, एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, हाईवे के लिए, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वायु के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े पैमाने पर इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक, जिसका लाभ निश्चित रूप से रोजगार में मिलेगा, 60 लाख नौकरियां का इसमें जिक्र है। और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी, लोकेन जी जो बात बोले हैं सर्वव्यापी किए हैं और चलिए ठीक है सर, मैं लौटता हूँ आपके पास, कई ऐसे वादे जो पहले भी हुए हैं और 2022 का समय आ गया उनको लेकर इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। अरुण जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए थे, लेकिन सवाल आशीष जी आपसे ये था कि एक कंफ्यूजन लोगों के भीतर ये आई है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, एक तो भारत में उसकी लीगलाइजेशन को लेकर अभी भी सवाल है, लेकिन उस पर टैक्सेशन कर दिया गया है सर, इसको कैसे समझे आम आदमी कि वो लीगल तो है नहीं, उल्टा हमें टैक्स देना पड़ेगा उस पर, ये थोड़ा सा अगर आप आसान भाषा में समझा सके। नहीं सब लोकेन जी, मैं आपको बहुत सीधी सी बात बताऊं, सबसे पहली बात तो बजट आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बजट एक देश की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला एक टाइम फ्रेम है, हम कैसे काम करेंगे। पार्टी लाइन पे नहीं, हम कह रहे हैं मनरेगा का बजट कम हुआ और ये बजट कॉर्पोरेट फ्रेंडली है, अमीरों के लिए बना हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे 25,000 किलोमीटर रोड बनेंगी उसमें काम करने वाले देश का 25,000 किलोमीटर रोड बनेंगी उसमें काम करने वाले देश का एक गरीब वर्ग होगा जिनको रोजगार मिलेगा, जो मनरेगा से बेहतर रेटों पे बेहतर रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम 400 वंदे भारत एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं तो वो वंदे भारत एक्सप्रेस देश की ही लेबर बनाएगी, स्किल लेबर बनाएगी और उनको बेटर पे स्केल, बेटर सैलरीज मिलेंगी। तो हम अगर स्किल अपग्रेडेशन की दिशा में बात करें
तो वो देश के लिए अगर विकास करना है तो हमको गड्ढों से आगे निकलना पड़ेगा, ठीक, हमको ट्रेन बनानी पड़ेगी, हमको रोड बनानी पड़ेगी, उसी से रोजगार निर्माण होगा। आपने जो बात कही क्रिप्टो करेंसी की, उस बारे में मैं एक स्पष्ट बात बताना चाहूंगा आपको कि आप शतुरमुर्ग बन के ये नहीं सोच सकते कि देश में सब कुछ अच्छा हो गया। ऑस्ट्रिच साइकोलॉजी से दुनिया नहीं चलती है। क्रिप्टो करेंसी इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड स्पेसिफिक है और आप इसको आने से नहीं रोक सकते। आप अगर नहीं उठेंगे और कहेंगे कि सूरज नहीं होगा तो इससे सूरज उगना नहीं रुक जाएगा। क्रिप्टो करेंसी एक हार्ड रियलिटी है पूरे विश्व की, अगर हम उसको नहीं अलाउ करेंगे तो वो इलीगल चैनल से आएगी, तो उससे बेहतर यह है कि हम उसको लीगलाइज कर दें। और आरबीआई ने खुद भी बोला है कि वो डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है, तो अगर वो डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है तो उसके साथ एक टैक्स फ्रेम, टैक्स नेटवर्क भी आना जरूरी है। और ये क्रिप्टो करेंसी इज फ्यूचर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। कोई कह सकता है कि हमारी समझ में नहीं आ रही, तो हम लोगों की समझ में वर्चुअल पेमेंट भी नहीं आते थे 5 साल पहले। हमें नहीं मालूम था कि मोबाइल से मोबाइल पैसा पहुंच जाएगा। आज एक चाय का ठेले वाला भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो 3 या 4 साल बाद वही क्रिप्टो करेंसी भी एक्सेप्ट करेगा। अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम दुनिया से पिछड़ने वाले हैं। सर एसेट के तौर पर ले रही है सरकार, कार्य है ये, अगर जितनी जल्दी किया जाए उतना बेहतर है। नहीं, वो तो कह रही है कि ये एसेट है, हम इसको उस तरीके से लीगलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर तो अभी विचार विमर्श चल रहा है। पेमेंट सर अभी विचार विमर्श चल रहा है, बट एक टॉपिक को छेड़ा गया है। आरबीआई ने बोला है कि हम डिजिटल करेंसी निकाल रहे हैं, वो क्रिप्टो करेंसी की दिशा में एक कदम है, वो इलीगल ना होके लीगल नेटवर्क के थ्रू होगी। और अभी सब बहुत सारे डेलिब्रेशन बाकी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि एक बजट में पॉइंट हो गया तो उसका पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क हो गया। अभी इस पे काफी डेलिब्रेशन होंगे, पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, बट हमने एक बात छेड़ी है वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर बजट में हमें कुछ बेसिक बातों की बात करें जो कि हम शायद मीडिया की हाइलाइट्स भी नहीं बन पाएंगी, छोटी बातें हैं पर मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे इन्हें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात कही है। मैं आपको लोकेन जी बताना चाहूंगा कि जब हम पहले बाहर जाते थे तो कहा जाता था कि अगर आगरा जा रहे हैं तो पेठा ले आइएगा, ग्वालियर जा रहे हैं तो गजक ले आइएगा। हर शहर का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता था। तो इस बजट में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का जो बात कही है उससे उस शहर के लोकल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक जॉब क्रिएशन की चीज है, ये एक साधारण एक जुमला तो पॉलिटिकल पार्टीज कह सकती है, मैं ना उसमें हा करूंगा ना ना करूंगा एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, बट ये एक कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का एक सार्थक कदम है। इसी प्रकार हमने स्टार्टअप के लिए जो एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की है, तो आज इंडिया वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम लिए बैठा है, तो उसको हमने और एक्सटेंड किया है। उसमें इनकम टैक्स एग्जेम्पशन हमने 1 साल और बढ़ाई है। अगर हम उद्यमियों की बात करें तो हमने उनको लोन फ्री क्रेडिट गारंटी स्कीम में 50,000 करोड़ दिया है। तो मेरा यह मानना है कि बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है। और अभी तक सरकार हमेशा कोशिश करती हुई आई थी कि कुछ साड़ी के दाम कम कर दो, कुछ छोटे मोटे रियायतें दे दो, 20-25 हजार इनकम टैक्स कम कर दो, जनता खुश हो जाए। इसमें वो कोशिश नहीं की गई है। हालांकि मुझे एक चीज में कमी व्यक्तिगत तौर पे नजर आई कि हमारा ऑयल का इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, $92 हम पहुंच चुका है क्रूड ऑयल। तो मुझे पूरी उम्मीद थी या इच्छा थी कि इस बजट में ई पॉलिसी में कोई बहुत अच्छा इंसेंटिव आएगा जिससे कि हमारी पेट्रोल पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। तो उस पे मेरे को बैटरी चेंज के अलावा कुछ ऐसा विशेष नजर नहीं आया कि आप अपनी बैटरी दूसरे को दे दो। ठीक, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेजर टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलेगा इंडस्ट्री को भी डीजल से इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होने पे और व्हीकल्स को भी इलेक्ट्रिक से पे शिफ्ट होने पे। तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो एक बस हम मिस कर गए हैं। ठीक, मैं अजय जी आप क्योंकि बार बार उंगली उठा रहे हैं, छोटा सा रिएक्शन आपसे ले लेता हूं, उसके बाद मैं अरुण जी के पास जा रहा हूं। रणजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आपने इनसे स्पष्ट रूप से पूछा कि आज के बजट में छत्तीस के लिए क्या था, वो पुष्पों को घोल घोल घुमाते रहे, उन्होंने कोई बात नहीं कही। क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आज का जो केंद्रीय बजट था लोकेन्द्र जी, उसमें छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला। आज सिंचाई परियोजनाएं लोगों ने लागू की गई, विभिन्न राज्यों को उसमें शामिल किया गया और पहले की तरह हमारा स्पष्ट आरोप है कि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, किसी प्रकार की सिंचाई परियोजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया और ऐसा कोई राहत पैकेज या ऐसी कोई योजना आज केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को नहीं दी जा रही है। और लगातार यहाँ के 9 सांसद सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, जब छत्तीसगढ़ की जनता के हित की बात आती है तो इसमें नैतिक साहस नहीं होता। और कहीं थोड़ा सा सुनाओ दीजिएगा, कहीं ना कहीं पूंजीगत व्यय की बात कर रहे थे
रंजीत सिंह जी आपको इस पर बताना चाहूंगा, अभी के जो बजट में पूंजीगत व्यय है वो मात्र 7.5 लाख करोड़ है, जो कुल जीडीपी का मात्र 2.9% है। एक आर्थिक विशेषज्ञ की राय होती है लोगों की कि अगर पूंजीगत व्यय अगर 1 रुपए किया जाता है तो उसके बदले में 2.5 रुपए सरकार को आय होती है। तो कहीं ना कहीं अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी चीज है कि ज्यादा से ज्यादा जो बजट का हिस्सा है उसको पूंजीगत व्यय में लागू किया जाए, और इनका मात्र 2.9% लागू किया जा रहा है, जो इस पर संकेत है कि ये विकास का बजट नहीं है। और देखिए कहीं ना कहीं 2 सेकंड 10 सेकंड और दीजिएगा, कुल प्राप्तियां जो है 22.84 लाख करोड़ है और कुल एक्सपेंसिस 39.45 लाख करोड़, और इसमें जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 16.61 लाख करोड़, जो 6.4% है। आज ये राज्यों को फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो उसको 4.5% तक सीमित करने की बात करते हैं, जब केंद्रीय बजट की बात आती है तो यही बजट 6.4%। ये स्पष्ट रूप से केंद्र की मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के लिए आईना है, ये स्पष्ट बताता है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण कल इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया लोकेन जी, इस जो करेंट ईयर है उसकी विकास दर है 9.2% और आने वाले 2022 चेंज की जो विकास दर है वो 8 से 8.5%। तो कहीं ना कहीं विकास दर में जो कमी आ रही है वो उस पर दिख रहा है कि देश में आज विकास की गंगा की उल्टी लहर बह रही है। ठीक अरुण जी, देखिए ये सवाल तो पूछे जा रहे हैं अभी भी कि जो हमारी कमाई है उस पर जो हम खर्चा कर रहे हैं, लोन को लेकर बात हो रही है कि कर्ज जो है काफी जो पैसा हमारा कर्ज और उसका ब्याज देने में जा रहा है, तो इस बजट के जरिए जो सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है कि दूरदर्शी ये बजट है, आपको लगता है कि खासकर कोरोना के बाद से ये हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लेकर आ पाएगा? देखिए इसमें ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया है लगभग 9% का, एक एम्बिशियस लक्ष्य है, और साथ ही साथ जो पुराना जो अनुभव है उसको भी ध्यान में रखा गया है। ये बात सच है 6.4% जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफी हाई साइड में है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जो वित्त मंत्री है और अर्थव्यवस्था है हमारी, उसकी अपनी समस्याएं होती हैं। एक घर का कोई बजट तो है नहीं, एक दिन का बजट नहीं है जिसको हम किसी प्रकार से ठीक ठाक कर लें। ये पूरे राष्ट्र को है, और राष्ट्र में जो डायरेक्ट समय इन्वेस्टमेंट भी सरकार नहीं कर सकती है, इसको इनडायरेक्ट ही करना पड़ेगा। ये कोई अपने दुकानें तो खोलना नहीं शुरू कर पाएगा। एक चीज जोड़ दूं सर, उसका जवाब आपसे चाहूंगा मैं, क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सरकार ये सोच रही है कि जो फंड्स हैं वो हम बाहर से आकर्षित कर पाएंगे, निवेश कर पाएंगे और विनिवेश कर पाएंगे, यानी कि जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं उनसे हम कुछ किसी तरीके से विनिवेश कर पैसा इकट्ठा कर सकें, इस पर निर्भरता ज्यादा दिखाई दे रही है इस बजट को देखते हुए? नहीं, वो देखिए इनकी पॉलिसी का हिस्सा है। जब से 1991 से जो हमने पॉलिसी बनाई है ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत, जिसमें प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन तीनों चीजें चलती चली आई हैं, और ये सरकार भी इसको आगे बढ़ा रही है। तो पब्लिक सेक्टर को किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया जाए, उसमें डिसइन्वेस्ट किया जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे हम अपने क्षेत्रों में लाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बातचीत की गई है। डिफेंस के अंतर्गत देखिए सबसे बड़ा बजट जो है इस बजट का भी, पहले बजट का भी, आप समझिए कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट दोनों का तो मिलाकर लगभग 26-27 लाख करोड़ होता है, और 52 लाख करोड़ में सिर्फ डिफेंस का है। उस डिफेंस में भी 62% डिस्पार जो कहा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा चीजें बनाई जाए, तो कहीं न कहीं इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की भी बात चल रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं और चुनौतियों को देखते हुए एक रीजनल बैलेंस करने की बात इसके अंदर कही गई है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वहां तो डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ भी पूरे भारतवर्ष एक महत्वपूर्ण राज्य है, 3.5 करोड़ जहाँ की जनता हो उसको इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में 25,000 किलोमीटर सड़कें बनेगी तो उसमें छत्तीसगढ़ का भी तो हिस्सा होगा। ये 400 जो है बंदे भारत रेल चलेंगे उसमें छत्तीसगढ़ में तो हिस्सा होगा, यहाँ बिलासपुर रायपुर जैसे बड़े जोन हमारे पास में उनका भी अपना हिस्सा होगा। यदि मान लीजिए कि हम पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग के अंदर लेके आते हैं तो कोर बैंकिंग के अंदर लाएगा तो उसमें छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा होगा। यदि मान लीजिए एमएसपी के अंतर्गत हमने 2.94 लाख करोड़ दे रहे हैं उसमें पैडी और वीट और पैडी का कटोरा तो छत्तीसगढ़ी है तो उसको तो फायदा होने वाला ही है। अब ये डिपेंड करता है इस बजट को लेकर के हम नीति आयोग के पास में किस प्रकार से जाते हैं इसका हिस्सा
हिस्सा लेने के लिए। हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे राजनेता लोग हैं, इस बजट में जो जो हमारा हिस्सा है उसके जो प्रावधान है उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर के मैं तो ये मानता हूं कि संतुलित बजट जो हो सकता है, इसको राजनीतिक दृष्टि से न देख करके एक अर्थशास्त्रीय दृष्टि से हम देखते हैं, मुझे संतुलित बजट दिखाई पड़ता है। इसमें दृष्टि दिखाई पड़ती है और दृष्टि स्पष्ट दिखाई पड़ती है, हम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था में हमको इक्विटी भी चाहिए, हमको एक्सेसिबिलिटी भी चाहिए, हमको बैलेंस भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए। ये सारी चीजों को एक साथ समावेश करते हुए ये बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक रजनीश जी, देखिए इसमें किसानों की अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि हम ड्रोन टेक्निक को लेकर आएंगे, किसानों को भी डिजिटलाइज करेंगे। इससे पहले भी देखिए कई बार कहा गया कि ई नाम लाएंगे, हम मंडियों को पूरे देश भर से जोड़ देंगे, लेकिन धरातल पर क्या वो चीजें दिखती हैं? क्या ड्रोन जैसी टेक्निक को अपनाने के लिए किसान तैयार है अभी फिलहाल, अभी की सिचुएशन में, अगले 2-3 साल में आप तैयार कर देंगे उसे कि वो ड्रोन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल कर सके? जी यदि हम ये बात सोचे कि किसान अभी ड्रोन को क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एक विजन है, ये शुरुआत हो रही है। और देखिएगा, हम यदि मैं पुराने बहुत सारी चीजों को उदाहरण दे सकता हूँ कि 10 साल 15 साल पहले मोबाइल में हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि छत्तीसगढ़ में मोबाइल आएगा, गांव-गांव में मोबाइल रहेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो देखते देखते आज जो आप ई मंडिया लेकर आए सर, वो कितनी सक्सेसफुल रही? मैं तो किसानों की बात कर रहा हूँ तो किसानों का उदाहरण लूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल किसानों का ही दे रहा हूं मैं, किसानों का ई मंडी का जो है जहां जहां ये चल रहा है कई राज्यों में बहुत सक्सेस है, बहुत अच्छे से चल रहा है। ड्रोन तकनीक भी आप देखिएगा बहुत सक्सेस होने वाला है। किसानों के लिए मैं आपको बता दूं कि 2.37 लाख करोड़ का MSP के लिए प्रावधान किया गया है। किसानों के हम बात करते हैं कि दुगुना आय दुगुना आय, देश आजाद हुआ उसके बाद 2014 तक क्या स्थिति थी? मैं खाली एक फसल जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा होता है धान, हम 2014 तक 1300 रुपया क्विंटल में थे। माननीय मोदी जी अभी 7 साल के अंदर उसको 1940 ले आए, 640 रुपया की बढ़ोतरी सिर्फ इन 7 सालों में हुई है और उसमें बहुत सारी चीजें मतलब डबल तो नहीं हुई है सर मेरे पास, क्योंकि समय कम है। आशीष जी हाथ उठा रहे थे, सर आपका आखिरी कमेंट में लूंगा, क्लोजिंग कमेंट। नहीं एक मिनट आधा सेकंड ठीक आ रहा हूं मैं, अब समय नहीं है सर। आशीष जी आखिरी कमेंट सर आपका। लोकेश जी मैं सीधी सी बात करना चाहूंगा, आपने जो ड्रोन की बात कही तो इन्हीं किसानों की शादियों में हम ड्रोन से फोटोग्राफी होते हुए देखते हैं। तो ये देश बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, आप टेक्नोलॉजी दीजिए, किसान लेने को तैयार बैठा है। जब वो शादी में ड्रोन ला सकता है तो खेती में भी ड्रोन ला सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम किसान को कमतर ना आके, किसान हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और हमको उसको उसी अवधारणा में देखना पड़ेगा। ठीक है अजय जी आखिरी क्लोजिंग कमेंट सर आपका। स्पष्ट है कि 98% देश के लोगों की आय कम हुई है, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें गरीब किसान कहीं प्राथमिकता में है ही नहीं। पूरा का पूरा बजट जो है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, ये इस बात से स्पष्ट है। देखिए एक सर्वे में सबसे ज्यादा जो जनता के समय इतना ये माफी के साथ रोक रहा हूँ, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो सरकार ये कह रही है कि इसके जो दूरदर्शी परिणाम है वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, ये किसी तरह का चुनावी बजट पेश नहीं किया गया। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।